सबको नमस्कार, आई एम आयुष ग्रोवर, आई एम योर ऑनलाइन फिटनेस कोच। आज का टॉपिक होने वाला है अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स। इंडिया रियली नीड्स टू नो अबाउट प्रोटीन सप्लीमेंट्स, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन विल नॉट हार्म यू, इट इज एक्चुअली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर बॉडी। इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू पुट ऑन सम लीन मसल मास एंड टू रिड्यूस सम अमाउंट ऑफ फैट, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट विल हेल्प यू अचीव योर फिटनेस गोल्स, योर हेल्थ गोल्स। आज भी बहुत सारे पेरेंट्स इंडिया में अपने बच्चों को मना करते हैं दैट यू शुड नॉट टेक सप्लीमेंट्स, यू शुड नॉट टेक प्रोटीन सप्लीमेंट। बट कंक्लूजन पे आने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ प्रोटीन। सो लेट्स टॉक अबाउट द साइंस ऑफ प्रोटीन फर्स्ट, दैट हाउ प्रोटीन इज एक्चुअली मेड, हाउ वे प्रोटीन इज एक्चुअली मेड एंड फ्रॉम वेयर इट इज डिराइव्ड। इफ आपने अपनी लाइफ में कभी भी मिल्क पिया है, then you have consumed proteins, specifically casein protein and whey protein. आपने कभी भी घर पे जब दूध फाड़ के पनीर बनाया हो तो जो सॉलिड पार्ट होता है दैट इज पनीर, दैट इज एक्चुअली केसिन प्रोटीन, और जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज वे प्रोटीन। देन वो जो लिक्विड पार्ट है उसको फर्दर फिल्ट्रेशन में जाता है, इट इज कॉल्ड माइक्रो फिल्ट्रेशन, जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, क्योंकि उस पानी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, फैट्स भी होता है एंड वे प्रोटीन भी होता है। वे प्रोटीन इज एक्चुअली द सॉलिड पार्ट्स, एंड वो सॉलिड पार्ट्स को डिराइव करने के लिए माइक्रोफिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटीन सोर्स फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स इज वे प्रोटीन, एंड दोज सॉलिड पार्ट्स विच इज डिराइव फ्रॉम दैट लिक्विड इज एक्चुअली द रॉ मटीरियल जो यूज होता है आज जो हम प्रोटीन शेक्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स मार्केट में देखते हैं उसे बनाने में। एंड जो ये रॉ मटेरियल होता है दैट इज अगेन प्योरिफाइड, एंड उसके बाद उसमें फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं एंड वो हमें मार्केट में आज देखने को मिलते हैं। एंड आज जो भी अपने बच्चों को मना करता है, जो भी इंडियन पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को मना करते हैं दैट यू शुड नॉट टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स, वो सिर्फ और सिर्फ एक मिसकंसेप्शन की वजह से, That is, if weight training है, if body building है, तो steroids associate होंगे ही होंगे। Steroids is something that is made in labs, synthesized in labs, but यहाँ हम whey protein की बात कर रहे हैं। Steroids harmful हो सकते हैं आपकी body के लिए, and बिल्कुल होते हैं harmful आपकी body के लिए, but whey protein naturally derived होता है, that is also from milk. It is actually the concentrated form of your milk. That is only rich in protein, and there is no carbohydrate or less carbohydrate or no fat. Okay, the next question is, who should actually take protein shake supplements? जो भी लोग कुछ भी physical activity करते हैं, XYZ, आप running कर रहे हो, आप weight training कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप swimming कर रहे हो, then you should take protein supplements. In fact, अगर आप आपकी lifestyle कुछ ऐसी है कि आपको घर पे बैठना होता है, आप टीवी के सामने ही बैठे रहते हो, या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम है, आप घर पे बैठ के आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज अ हॉरिबल lifestyle, दैट इज एक्चुअली हॉरिबल फॉर योर हेल्थ। बट सेकेंडली, अगर आप भी अपने डेली प्रोटीन गोल्स को मीटअप नहीं कर पाते हैं, देन यू शुड ऑल्सो टेक प्रोटीन सप्लीमेंट्स। एंड इफ यू आर अ गर्ल, इट इज स्टिल परफेक्टली सेफ टू यूज प्रोटीन शेक्स, देयर इज नो हार्म फॉर योर बॉडी ऑल्सो। So the next question is, what are the protein requirements per day? बहुत सारी studies के according, आपको 0.8 से लेके 2.7 grams per kg of your body weight, इतना आपको protein consume करना ही करना है per day to stay healthy, to stay fit. इसका मतलब है अगर 70 kg का कोई इंसान है, उसकी per day requirement of protein is 56 grams. And to be honest, इंडियन डाइट में आपको 56 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन भी नहीं मिलता है, अनलेस एंड अंटिल आप एग, आप पनीर, आप चिकन, या फिर आप सोया चंक्स रोज खाते हैं। एंड आई डोंट थिंक कि इंडिया में किसी भी घर में ये रोज खाया जाता है। सो टू मीट अप दोज रिक्वायरमेंट्स, दोज प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स पर डे, आपको भी कंज्यूम करना चाहिए प्रोटीन शेक्स। लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजिकल वैल्यू, बीवी वैल्यू। बीवी वैल्यू एक्चुअली हर प्रोटीन के लिए असाइन होती है। एक प्रोटीन के लिए अलग बीवी वैल्यू है, वे प्रोटीन्स के लिए अलग है, पनीर के लिए अलग है, चिकन के लिए अलग है। जो वे प्रोटीन के लिए बीवी वैल्यू है दैट इज 96। बीवी वैल्यू एक्चुअली होता क्या है? बीवी वैल्यू का मतलब है कि वो प्रोटीन आपकी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होगा, एंड वे प्रोटीन का इट इज 96, तो ये आपकी बॉडी में ऑलमोस्ट कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो सकता है। एंड इट इज रियली इजी, अगर आपको आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स मीटअप करनी है, तो यू शुड कंज्यूम प्रोटीन सप्लीमेंट्स।
क्योंकि प्रोटीन शेक्स में हर एक स्कूप में मिनिमम 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अवेलेबल होगा ही होगा, कोई भी ब्रांड हो। दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 4x। इफ आपके पास एग्स खाने का टाइम नहीं है, आपके पास मील कंज्यूम करने का टाइम नहीं है, जस्ट शेक योर प्रोटीन शेक एंड जस्ट ड्रिंक इट। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ टू कंज्यूम प्रोटीन शेक्स। अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक स्कूप कंज्यूम करते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने वर्कआउट्स के जस्ट बाद कंज्यूम कीजिए, एंड आप उसे कोल्ड वाटर में ले सकते हैं, कोल्ड मिल्क में ले सकते हैं, कर्ड में ले सकते हैं, एंड इवन आप अमूल फ्रेश क्रीम में भी ले सकते हैं। एंड एट लास्ट मैं सिर्फ इतना कहूँगा दैट प्रोटीन्स आर रियली सेफ। अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल अलाउ कर सकते हैं प्रोटीन्स के लिए, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप खुद भी प्रोटीन्स कंज्यूम कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। इफ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।